मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आप देख रहे हैं ये परिसर है और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आज फिर यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है, ओपीडी की सेवाएं बंद कराई जा रही हैं और ये बंद कौन करा रहा है ये जानकर आप बेहद हैरान होंगे। यहाँ तैनात जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं ये आज ओपीडी बंद करवा रहे हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवा चालू है। क्यों बंद करवाया जा रहा है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मकबूल। डॉक्टर मकबूल सर बताइए क्यों आप लोग ये सेवा बाधित कर रहे हैं? हम लोगों का गवर्नमेंट से एरियर का भुगतान के लिए बहुत बार गवर्नमेंट से बातचीत की गई, लेकिन हम लोगों 2016 से 2019 का एरियर बकाया है, उसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट से पहल किया लेकिन गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने वेट करके 2-3 महीना, उसके बाद से हम लोग एक सप्ताह का काला बिला लगा के हम लोग काम किए कि ताकि गवर्नमेंट को हम लोग इंटीमेट करें। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने आज से ओपीडी सेवाएं ठप करने का, कार्य बहिष्कार करने का हम लोग अपना प्लान किए। कब तक ये रहेगा कार्य बहिष्कार? अब ये तो गवर्नमेंट की है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट हमारे काले बिल्ले पे ही अगर रिस्पॉन्ड कर देती तो हम लोग ये काम करते ही नहीं। आज हम लोग अपना काम एज यूजल करते, लेकिन गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ पे ये कोरोना के टाइम में आपको पता है कि प्रोत्साहन राशि वगैरह डॉक्टर को मिलता है, यहाँ पे हम लोग का अपना पैसा जो बकाया है वो भी नहीं मिल रहा है। कितने डॉक्टर हैं और झारखंड के किन किन कॉलेजों में ये? झारखंड के सभी कॉलेज में है हमारे, मतलब जो सीनियर रेजिडेंट जितने भी सभी कॉलेज में हैं, 6 मेडिकल कॉलेज है सब में है, और ये मतलब टोटल 700 के आसपास हमारे सीनियर रेजिडेंट है टोटल इस स्टेट में, और यहाँ पे हम लोग 70 के आसपास हैं पलामू मेडिकल कॉलेज में। आपने सुना एक सप्ताह से ये काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे थे, बावजूद सरकार जब इनकी मांगों को नहीं सुनी तो आज से ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ सरकार से वार्ता चल रही है या क्या सरकार का क्या रवैया? सरकार से मार्च से पहले एक बार बात, फरवरी से पहले ही बात हुई थी, जिस समय रिम्स में गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी तो उस समय डायरेक्टर सर और माननीय स्वास्थ्य मंत्री और सचिव महोदय ने बोला था कि हम लोग बहुत ही जल्द इस पर कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ निर्णय नहीं लिया गया। तो फिर हम लोगों ने एक सप्ताह का काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उस दौरान भी किसी ने हम लोगों से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया, तो मजबूरी बस और बहुत ही दुख के साथ हम लोगों को ये कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल अपना जो बकाया है उस राशि को मांग रहे हैं। जबकि आपको पता होगा कि कोरोना काल में अन्य राज्यों में जैसे बिहार हरियाणा इत्यादि राज्यों में कुछ महीने का, 1 महीना 2 महीना इस तरह का एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है कोरोना वॉरियर्स के रूप में, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा तो मिलने की बात दूर है, यहाँ पर बकाया भी नहीं मिल रहा है, इसी के कारण हम लोग बाध्य हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का परिसर है, पूरे पलामू के कई सुदूरवर्ती इलाकों से लोग आते हैं, और कुछ ही दिन पहले यहाँ जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद ओपीडी सेवाएं 2 दिन तक बाधित रही थी, और एक बार फिर से पुनः ओपीडी सेवा बंद हो चुकी है। और एक और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, हम इनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ मामला और क्या लगता है कैसे इसका निदान किया जा सकता है? निदान तो अब सरकार के ऊपर है, हमारी तो ऐसी, हमारे तरफ से तो क्लियर कट एक ही डिमांड है और कोई अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं है। हमारी अपना बकाया राशि है, 2016 से पेंडिंग है, और कई बैचेस निकल भी गए, भारत के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में चले गए अलग अलग शहरों में, और हम लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, तो हम लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अब सरकार के ऊपर। मेडिकल कॉलेज की जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि पलामू में स्वास्थ्य सेवाएँ सुदृढ़ होंगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि 5 सालों से इनका एरियर का भुगतान नहीं हुआ है और आज कार्य बहिष्कार इन्होंने कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब तक इनसे वार्ता करती है या फिर पूरे झारखंड में ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा।